हेलो एवरीवन, आज हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक और लेक्चर है और ये लेक्चर है डॉली के ऊपर। डॉली क्या थी? वो पहला एनिमल जिसको कि ये पहला लैम था जो कि हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग से यानी क्लोनिंग से हमने इसको हमको मिला। ठीक है, फर्स्ट क्लोन है ये और ये शीप का बच्चा है यानी लैम है। अब हम आज पढ़ेंगे कि कैसे डॉली बनी। तो इसका जो क्रेडिट जाता है वो जाता है डॉक्टर इयान विल्मट को मेनली। उनके साथ एट ऑल मीन्स उनके साथ और भी साइंटिस्ट ने ऑफकोर्स काम किया था, मेन साइंटिस्ट है डॉक्टर इयान विल्मट। तो इन्होंने 1995 से अपना ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया और फैब 1997 में जाके हमें डॉली मिली। अदरवाइज़ क्या होता है, शीप का जो जेस्टेशन पीरियड होता है 150 डेज अराउंड होता है, यानी 150 डेज में शीप का पार्चुरेशन होके हमको बच्चा मिल सकता है। लेकिन इतना टाइम इसने लगा क्योंकि ऑफकोर्स नॉर्मल चीज़ नहीं है, एक एक्सपेरिमेंट से क्लोन बना रहे हैं तो टाइम तो लगना ही था। तो देखते हैं कि हुआ क्या। अब इसमें आपको बहुत ध्यान से देखना है। सबसे पहले क्या किया इन्होंने, शीप वन ली, एक शीप ली जिसको हम शीप वन से टर्म दे रहे हैं हम उसको, और उसके उन्होंने अडर सेल्स लिए। अडर सेल लिए यानी उसके थन से सेल्स लिए, तो ऑफकोर्स ये 2N होंगे। और इसको उन्होंने एक स्पेशल सॉल्यूशन में रखा जहाँ की इसका जो डिवीजन था, इन सेल्स का डिवीजन को वो कंट्रोल कर सकते थे। ठीक है, डिवीजन को वो कंट्रोल कर सकते थे। दूसरा इन्होंने क्या लिया, शीप टू, एक दूसरी एडल्ट शीप ली जिसको हम शीप टू बोल रहे हैं, और इसका इन्होंने अनफर्टिलाइज्ड एग लिया। ठीक है, तो इसके जेनेटिक सिस्टम से एक अनफर्टिलाइज्ड एग लिया। ऑफ कोर्स वो क्या होगा, अनफर्टिलाइज्ड एग है तो गैमेट है, तो यानी हैप्लॉइड होगा, एंड है। उसके बाद इन्होंने इस जो अनफर्टिलाइज्ड एग है इसको ई न्यूक्लिएट किया। ठीक है, यानी इसमें से जो इसका न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस में इसका एन है, तो इसके न्यूक्लियस को इन्होंने निकाल दिया, ई न्यूक्लिएट कर दिया इसे। ठीक है, तो अब इसमें सिर्फ क्या बचा, साइटोप्लाज्म बचा। और जो ये अडर सेल था इसमें से भी इन्होंने इसके न्यूक्लियस को निकाल दिया, और जो इसका ये न्यूक्लियस निकाला इन्होंने, इसका न्यूक्लियस में क्या है, 2N है, जबकि इसके न्यूक्लियस में क्या था, खाली N था। ठीक है, तो न्यूक्लियस निकाल दिया, ये खाली साइटोप्लाज्म बचा, और इसका न्यूक्लियस निकाला, इसके न्यूक्लियस में क्या था, 2N। अब इस 2N को इन्होंने इस अनफर्टिलाइज जो एग था उसमें डाल दिया, यानी इसका न्यूक्लियस, शीप वन का जो अडर सेल का न्यूक्लियस था वो इसमें पहुंच गया। ठीक है, अब जब गैमेट अनफर्टिलाइज होता है यानी अनफर्टिलाइज एग है, तो उसमें हैप्लॉइड नंबर होता है। जब उसका फर्टिलाइजेशन होता है, नॉर्मली जब किसी भी गैमेट, जब फीमेल, ये फीमेल गैमेट है एक तरीके से, ठीक है, तो जब भी फीमेल गैमेट का मेल गैमेट से फ्यूजन होता है, यानी जब उसका फर्टिलाइजेशन होता है, तो ये एन और एन मिलके क्या बन जाते हैं, 2N बन जाते हैं, और ये 2N क्या होता है, जाइगोट। जाइगोट हमेशा डिप्लॉयड होता है। तो यहाँ क्या है, ये 2N यहाँ पहुँच गया। ठीक है, न्यूक्लियस, क्योंकि इसके न्यूक्लियस को जिसमें 2N था उन्होंने यहाँ डाल दिया। अब एक तरीके से ये एक जाइगोट बन गया, करेक्ट, क्योंकि इसमें 2N है। तो आप कह सकते हो कि विदाउट एनी, एक ही पेरेंट, मतलब कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ एज सच मेल और फीमेल गैमेट का, लेकिन ये जो अनफर्टिलाइज एग था उसका एक तरीके से फर्टिलाइजेशन हो गया और वो उसमें 2N आ गया, क्योंकि ठीक है डिप्लॉयड नंबर आ गया है। तो अब ये इस जो ये जाइगोट है उसका नॉर्मल क्लीवेज हुआ, जैसे सारे प्रोसेस ब्लास्टोसिस्ट और जो सब बनता है वो सब हुआ। जब ब्लास्टोसिस्ट स्टेज आई, जैसे नॉर्मल फर्टिलाइजेशन होता है एन
अभी क्या है, ये एक सेल है, एक से दो बनेगा, दो से आठ, दो से चार बनेंगे, चार से आठ बनेगा। तो ऐसा करते करते जब ब्लास्टोसिस्ट स्टेज आएगी, उस समय इन्होंने क्या किया, इस ब्लास्टोसिस्ट को, ब्लास्टोसिस्ट आप कह सकते हो एक तरीके से अर्ली एम्ब्रियो है, इसको इन्होंने एक तीसरी शीप थी, शीप थ्री, जो कि सरोगेट मदर की तरह एक्ट करेगी, उसके यूट्रस में डाल दिया। तो इस ब्लास्टोसिस्ट को जब इस शीप थ्री के यूट्रस में डाल दिया, तो वहाँ इसका फर्दर डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। और अल्टीमेटली आफ्टर जेस्टेशन पीरियड इज़ ओवर, जब इस का जेस्टेशन पीरियड ओवर होगा, तो हमको डॉली, इस जो थर्ड शीप थी उसने बच्चा दिया, जो कि एक फीमेल थी, और हमको डॉली लैम्ब मिली। अब इस सब में देखिए तीन शीप यूज़ हुई हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अगर आप थोड़ा सा, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ये जो डॉली लैम्ब है, ये किस किस का किसका क्लोन है, यानी ये जेनेटिकली किसके जैसा होगा, या जेनेटिकली ये किसका क्लोन होगा, तो अगर आप थोड़ा सा वो करें, थोड़ा सा अपने माइंड पे जोर दें, तो इसमें से ये किसके जैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए शीप वन के जैसा। क्यों? जब कोई किसी का क्लोन है, यानी उसका डीएनए, उसका जो जीनोम है, वो जिस जो भी उसका हमने जहाँ से एक्सट्रैक्ट किया है न्यूक्लियस, उसके जैसा तभी होगा जब जहाँ से हमने न्यूक्लियस उठाया है। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर कोई फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं हुआ, ना ही फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हुआ, ना ही कोई जो हम पढ़ चुके हैं कि कोई रिकॉम्बिनेशन हुआ है ना, जीन्स का कोई ऐसा कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ। सीधे सीधे हमने न्यूक्लियस, जिसमें कि एक सेट नंबर ऑफ एक क्रोमोसोम का एक सेट था, वो सीधे सीधे क्रोमोसोम का सेट हमने एक एग में डाल दिया। अब उस एग में जो भी, उसके न्यूक्लियस में जो भी क्रोमोसोम का सेट है, वही क्या करेगा, जाइगोट क्या करता है, माइटोसिस करता है। तो वही सिर्फ माइटोसिस से करता हुआ, यानी सेल डिवीजन करता हुआ, बेसिकली वो एक इंडिविजुअल में टर्न आउट होगा, ठीक है। तो यहाँ हमने किसका, हमने न्यूक्लियस लिया था, न्यूक्लियस हमने लिया था शीप वन का, उसके अडर सेल का हमने न्यूक्लियस लिया था, जो कि हमने अनफर्टिलाइज एग में डाला। तो ये जो डॉली लैम्ब है, ये किसका क्लोन है, शीप वन का, यानी जिसमें से हमने अडर सेल लिए थे। ओके, तो अगर ये आपको समझ में आया होगा कि डॉली कैसे बनी, तो प्लीज़ इस लेक्चर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।